सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले कल के सवाल के, दोस्तों ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि भैया यहाँ पे मैं बनाऊँ एक मोटिवेशनल वीडियो पढ़ाई को लेके, तो बोला है 75% ने हाँ जी हाँ जी, और बाकी बोलते हैं भैया एग्जाम तो है नहीं, वीडियो का हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों से आज का सवाल आपसे ये है कि यार क्या दोस्तों आपको लगता है कि आप टेक्नोलॉजी को लेके या किसी भी दोस्तों चीज़ को लेके जो कि टेक रिलेटेड हो, क्या दोस्तों आप किसी चीज़ के भैया हैं एडिक्ट? आप दोस्तों क्या किसी चीज़ की लत लगा के बैठे हैं, फिर चाहे वो पबजी हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्मार्टफोन है दोस्तों, कोई भी ऐसा टेक प्रोडक्ट हो, आपके दोस्तों क्या है राय बताना जरूर ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो एक साथ थोड़ा जोर के साथ, एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बात करते हैं यार पहले अपडेट की, इंडिया में दोस्तों निकल के आता है जोमैटो की तरफ से, और यहां पर दोस्तों जोमैटो का यह कहना है कि आने वाले 2 सालों में दोस्तों उनकी जितनी भी डिलीवरी फ्लीट है उसका 40% जो होगा वो होगा पावर असिस्टेड बाइक्स। तो यार यहां पर दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे वातावरण के लिए भी, और ऐसे में दोस्तों जो है वो पैडल मार के या दोस्तों किसी भी तरीके से जो पावर असिस्टेड बाइक्स है उनकी मदद से जो जोमैटो है वो आपके घर तक खाना पहुंचाएगा गर्मा गर्म। वैसे आप दोस्तों किसको पसंद करते हो, जोमैटो है या स्विगी है या कोई और है आपका फेवरेट, बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहां पे सोनी की एक्सपीरिया XA3 को लेके, और यहां पर दोस्तों इस फोन की एक और लाइव फोटो सामने आ गई, भैया एक परिवार के पास में ये फोन है। वैसे में लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कब हुआ वो दोस्तों नहीं मालूम, लेकिन यहां पर दोस्तों क्लियर दिख रहा है फोन जहां पे स्क्रीन है पतला सा लंबा सा। ऐसे में देखते हैं आखिर की क्या करता है सोनी MWC में अपने इसी नए फोन के साथ में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकलता है यहां पे Xiaomi की तरफ से, और यहां पे Xiaomi जो है वो टीज कर रहा है अपने एक नए प्रोडक्ट को जहां पे लिखा है नेवर टेक योर आईज ऑफ, और जो तारीख है वो है 13 फरवरी, और यहां पे जो कंप्लीट सेटअप है वो है जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये तो एकदम ऑब्वियस सा ही है कि शायद कोई नया सिक्योरिटी कैम या ऐसा कोई दोस्तों नया कैमरा जो प्रोडक्ट है वो लेके आने वाला है Xiaomi भी। इसमें देखते हैं भैया ये तो खैर आ जाएगा, लेकिन इंडिया में Redmi Note 7 या Note 7 Pro वगैरह जो है वो कब तक लॉन्च होते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे OnePlus की तरफ से, और फिलहाल दोस्तों OnePlus जो 6 और 60 यूजर्स हैं उनको मिल रहा है भैया यहां पे एक नया अपडेट जहां पे दोस्तों एक तो Google Duo का जो इंटीग्रेशन है वो काफी डीप देखने को मिलेगा, और उसके अलावा भैया मिल गया है यहां पे सिक्योरिटी पैच जनवरी के महीने का। खैर मेरे पास जो है फिलहाल फोन पिक्सल, उसके अंदर है फरवरी का सिक्योरिटी अपडेट। आपके फोन का एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है, कौन से लेवल की सिक्योरिटी है, जरा लिख के बताओ नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहां पे पबजी मोबाइल को लेके, और यहां पर दोस्तों इसके ऊपर भी आ गया भैया वैलेंटाइंस डे का असर, जहां पे अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको वैलेंटाइंस डे थीम्ड कपड़े और इसमें सुनो गन की स्किन्स हैं वो भैया आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पबजी मोबाइल में। तो इसका मतलब आप जो है वो पबजी खेलते खेलते भी दोस्तों जो वैलेंटाइन डे वाला असर है कंप्लीट वो मना सकते हैं। ऐसे में यहां पे ये अपडेट वो कैसा लगा बताना जरूर थोड़ा लिख के नीचे कमेंट्स में, क्या वो भी पबजी खेलते हैं और खेलते हैं तो कितना खेलते हैं थोड़ा वो भी जरा डेटा नीचे लिख के बता ही दो। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे 2018 के भैया सबसे पावरफुल डिवाइस, दोस्तों की से बात करता हूं पोर्टेबल कंप्यूटर्स की या स्मार्टफोन्स वगैरह की। तो यहां पर दोस्तों iOS की जो लिस्ट निकल के आई है उसमें सबसे ऊपर दोस्तों है 2018 का iPad Pro, और यहां पर दोस्तों एंट्रू का स्कोर है वो है 5,62,000 से भी ज्यादा। मतलब भैया एंड्रॉइड में दोस्तों हम कहाँ पीछे पिछड़ जाते हैं, और ऐसे में दोस्तों जो आईपैड प्रो है उसकी खैर परफॉर्मेंस तो वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा कमाल है, और यहाँ पे लिस्ट में सबसे ऊपर निकल के आया है 11 इंच वाला वेरिएंट। लेकिन आप दोस्तों मुझे बताओ कि क्या बेंचमार्क्स वगैरह में भरोसा करते हो क्या, बिकॉज मैं बेंचमार्क्स पर इतना ध्यान देता नहीं हूँ, जो एक्चुअल में डे टू डे परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। लेकिन ऐसे में क्या आप बेंचमार्क वगैरह इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में, भैया देखते हो चला चला के आपका फ़ोन कहाँ पहुँचा, ये भी थोड़ा लिखी दो ना दीजिए कमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे एंड्रॉइड की तरफ से आने वाले एक लीक को लेकर, भैया यहाँ पर दोस्तों एक डॉक्यूमेंट में लीक हो गया है नोकिया का 9, और यहाँ पर दोस्तों जो फोटो जो खैर आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ और स्पेक्स भी सामने आ गई हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है वो होगा 6 इंचेस का, 4 GB की रैम होगी, NFC वगैरह का सपोर्ट होगा, ये काम करेगा एंड्रॉयड 9 पाई पे।
कैमरा के बारे में कुछ नहीं बता रहा यार कि भैया जो 5 कैमरा है वो कैसे 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 काम करेंगे। खैर देखते हैं, नोकिया मतलब तो लेके आने ही वाला है 24 फरवरी को इसी नए फोन को। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च को लेकर। और यहाँ पे दोस्तों जो फोल्डिंग फोन है उसका लॉन्च भी लगभग कन्फर्म सा ही हो गया है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों ये एक टीजर सा निकल के आया है जहाँ पे लिखा है द फ्यूचर अनफोल्ड्स। इसका मतलब क्लियर है कि जो फोल्डिंग फोन है वो हमको देखने को मिल जाएगा, ऐसे में आपको उसकी वीडियो में देखने को मिल जाएगी मेरी तरफ से अगर ये फोन आता है इस तारीख पे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये एक और बैनर लीक हुआ है गैलेक्सी S10 का, जहाँ पे दोस्तों देखिए क्लियर तो आपको ऊपर दिख रहा है इन डिस्प्ले कैमरा, और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे सबसे मजे की बात की जो आपको हेडफोन जैक है वो वहीं का वहीं देखने को मिल रहा है, उसको सैमसंग वहां से नहीं हिला रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी क्या देखते हैं क्या करता है यहाँ पे इसी नए इवेंट पे सैमसंग, और मेरी तरफ से आपको कौन से फोन की कितनी कितनी वीडियो देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे BSNL भारत फाइबर को लेके। और यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइबर्स हैं BSNL भारत फाइबर के भैया वो भी एंजॉय कर पाएंगे बड़े आराम से Amazon प्राइम मेंबरशिप को बिल्कुल फ्री 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 में। और यहाँ पे दोस्तों ये जो BSNL भारत फाइबर है भैया दे रहा है रोज का 35 GB तक का डेटा, जो रेट है वो है एज लो एज 1.1 रुपीज पर GB की, मतलब 1 रुपये GB 1 रुपये GB 1 रुपये GB। और यहाँ पे यही GB कुछ टाइम पहले 200 200 300 300 की हुआ करती थी, मतलब क्या जमाना आ गया है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे यार एक बहुत कमाल प्राउड गुड न्यूज इंडिया के लिए, जहाँ पे दोस्तों फरीदाबाद बेस्ड कुछ कॉलेज स्टूडेंट जो है वो भैया जीत चुके हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एशिया कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने वाले हैं और अगर जीत जाते हैं US वाले फाइनल्स तो भैया जीत जाएंगे $1,00,000 की प्राइज मनी। और यहाँ पे दोस्तों फिलहाल उन्होंने जो बनाया है वो है एक स्मार्ट ऑटोमेटेड एंटी पोल्यूशन एंड ड्रग डिलीवरी मास्क। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ एक नया इनोवेट करके लेके आए हैं, और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉन्टेस्ट है अगर जीत जाते हैं तो इंडिया का नाम डेफिनेटली थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा टेक की दुनिया में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे Amazon Alexa की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों ये भैया जो है वो अभी इंडिया के बहुत सारे रेडियो स्टेशन जो है वो दोस्तों प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं आपको कि भैया आप डायरेक्टली अपने इसी में सुन ले रेडियो को, जहां पे लिस्ट जो है वो बढ़ के हो गई है 350 के पार। तो क्या दोस्तों आप आज की डेट में भी रेडियो सुनते हैं? रेडियो वो आकाशवाणी और वो दोस्तों क्या क्या हुआ करता था पहले के टाइम में, आप जो सुनते थे सुबह शाम कभी ट्यूनिंग कर करके, या आपको फुर्सत ही नहीं है भैया यहाँ पे आज की डेट में गाने ही बज रहे हैं? आपका क्या है यहाँ पे दोस्तों पसंदीदा म्यूजिक बताना जरा नीचे कॉमेंट्स में। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे आई लव मी डेज सेल को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये जो सेल है भैया इसमें आप ले पाएंगे 1-1 रुपए में बहुत सारे Xiaomi के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे ऑफर्स भी चलने वाले हैं, तो भैया आप दोस्तों हो जाइए तैयार, जहां पे आप ले पाएंगे इसी सेल के दौरान मजा Xiaomi कुछ फोन्स का। और ऐसे में अगर किस्मत ज्यादा अच्छी रही तो क्या पता 1 रुपए में जीत जाए Redmi Note 6 Pro या फिर Poco F1 वगैरह। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे भैया ओखला की तरफ से एक रिपोर्ट जो हमको दोस्तों बताती है कि अगर आपसे बात करता हूँ 4G कवरेज की तो जियो नंबर आगे है, लेकिन अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड की तो 2018 के सेकेंड हाफ में लिस्ट में सबसे आगे था एयरटेल। भाई मैं तो क्या बताऊँ, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर ही है, कभी कभी जियो चलता है कभी कभी एयरटेल चलता है कभी कभी कुछ भी नहीं चलता है, ऐसे में आपके लिए क्या चलता है और क्या आप इस बात से एग्री करते हैं बताओ जरा थोड़ा लिख के नीचे कमेंट्स में। आज तो अगर बहुत सारा बता दिया ये बात एक और बता ही दो। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है OnePlus की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों शायद OnePlus जो है वो MWC में अपना 5G जो फोन है उसका एक प्रोटोटाइप दिखाने वाला है, और ऐसे में दोस्तों मैं जाने वाला हूँ ही खैर OnePlus के इवेंट में, मैं जाऊँगा कंप्लीट MWC में और आपके लिए खैर बहुत सारे वीडियोज तो आएंगे ही, लेकिन खैर यहाँ पे देखते हैं कि जो OnePlus है वो अपने इसी 5G फोन का प्रोटोटाइप जो है वो दिखाता है कि नहीं, या फिर क्या कुछ नया करता है इसी MWC में OnePlus 7 को लेके, OnePlus 5G को लेके या फिर किसी और नए फोन को लेके। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की, निकल के आता है WhatsApp बीटा को लेके। और यहाँ पर दोस्तों एंड्रॉइड में जो आया है लेटेस्ट अपडेट उसके बाद से जो सेटिंग्स मेन्यू है वो थोड़ा सा बदल गया है, और यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से और दोस्तों कुछ चीजें जो है वो चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क डिटेल्स है वो आपको और बेहतर तरीके से बताती है कि आखिर भैया कितना नेटवर्क जो है वो आपने यूज किया है WhatsApp की मैसेजेस लेने और भेजने वगैरह में, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया है इसी सेटिंग्स मेन्यू में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, निकल के आता है एक थोड़ी सी सैड न्यूज की तरह, जहां पे भैया रिपोर्ट ये बोलती है कि जो 2019 वाला होगा आईफोन
उसमें भी लाइटनिंग पोर्ट ही मिलेगा और उसका भी जो चार्जर है वो 5 वॉट का ही होगा। तो मतलब पता नहीं खैर एप्पल क्या करेगा। फिलहाल दोस्तों खैर बहुत बहुत टाइम है यार, सितंबर के महीने में दोस्तों होगा ये लॉन्च, लेकिन खैर देखते हैं कि टाइप सी की तरफ एप्पल मुड़ जाता है या फिर देता है वही सड़ा सा 5 वॉट का चार्जर लाइटनिंग पोर्ट के साथ में। दोस्तों बात करते हैं लास्ट अपडेट की, निकल के आता है भैया यहाँ पर एलन मस्क की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है भैया मार्स तक जाने की टिकट की कीमत को लेके। और जब दोस्तों ट्विटर पे एक बार पूछा गया कि भैया जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है टिकट्स की वो कितनी होने वाली है, तो मिस्टर मस्क बोलते हैं कि करीब करीब $5 लाख के नीचे ही होगी, और क्या पता आगे चल के अगर स्केल बढ़ा तो $1 लाख के नीचे भी आ सकती है। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा जिस दिन जो अच्छी इकोनॉमीज में दोस्तों लोग हैं, यानी कि दोस्तों जो लोग रहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, वो बेसिकली अपना घर बेच के मार्स पे सेटल हो पाएंगे बड़े आराम से। तो मतलब ऐसे में देखते हैं कि अगर $1 लाख की टिकट है या अगर $5 लाख की टिकट है, 70-80 लाख रुपए, मतलब क्या पता कभी ना कभी फ्यूचर में आपको अगर पॉसिबल रहा तो व्लॉग देखने को मिल जाए मार्स के ट्रैवल का मेरी तरफ से। दोस्तों बस फिलहाल तो इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आपने कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।